दोस्तों, मैं हूं सुजीत चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी मैं सुजीत चौधरी में। दोस्तों, लेकर आया हूं HEPGI लेक्चर 3, जिसमें हमारा टॉपिक है एंटी कोगुलेंट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एंटी कोगुलेंट क्या है, कितने प्रकार का है और कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। What is anticoagulant? Anticoagulants are medicine or chemical that helps to prevent blood clots. दोस्तों, anticoagulants वह मेडिसिन या केमिकल है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं। Types of anticoagulant. For various purposes, a number of different anticoagulants are available. The anticoagulants in use are नंबर वन डाइसोडियम और डाइपोटेशियम, एथिलीन, डायमीन, टेट्रा एसिटिक एसिड जिसको हम शॉर्टकट में EDTA भी कहते हैं। दूसरा है हमारा अमोनियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट मिक्सचर, या फिर डबल ऑक्सलेट, या फिर फ्लोराइड। तीसरा है दोस्तों ट्राइसोडियम साइट्रेट। चौथा है हिपेरिन। पांचवा है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। छठा है CPD यानी कि सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। सातवा है दोस्तों CPDA सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। और आठवा है सैगम यानी कि सेलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटॉल। दोस्तों, जो हमारा ACD CPD CPDA और सैगम है, ये हमारा जो है एंटीकोगुलेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ब्लड बैंक में यूज किया जाता है। आइए नजर डालते हैं पहले EDTA पे, यानी कि डाइसोडियम और डाइपोटेशियम एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड पे। तो द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ EDTA आर पावरफुल एंटीकोगुलेंट्स एंड दे आर द एंटीकोगुलेंट्स ऑफ चॉइस फॉर रूटीन हेमेटोलॉजिकल वर्क। EDTA एक्ट्स बाय इट्स चिलेटिंग इफेक्ट ऑन द कैल्शियम मॉलिक्यूल्स इन ब्लड। The recommended concentration of the dipotassium salt is 1.50 plus minus 0.25 mg per ml of blood. Excess of EDTA affects both red cells and leukocytes, causing shrinkage and degenerative changes. Ammonium and potassium oxalate mixture, जिसको हम double oxalate या फिर fluoride के नाम से भी जानते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू पार्ट्स ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट एंड थ्री पार्ट्स ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट। तो दोस्तों, इसमें दो पार्ट जो है पोटेशियम ऑक्सलेट और तीन पार्ट जो है अमोनियम ऑक्सलेट का मिक्स होता है। टेक 1% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट 0.4 ml एंड 1% सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट 0.6 ml in a test tube. Evaporate in dryness in the incubator. This amount of oxalate is sufficient to prevent coagulation. Trisodium citrate 0.109 mole per liter trisodium citrate 32 ग्राम पर लीटर। इसका दोस्तों जो फॉर्मूला है वो Na3C6H5O7 (2H2O) इज द एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन कोगुलेशन स्टडीज। 9 वॉल्यूम ऑफ ब्लड आर एडेड टू 1 वॉल्यूम ऑफ सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन एंड इमीडिएटली वेल मिक्स्ड विद इट। सोडियम साइट्रेट इज आल्सो द एंटीकोगुलेंट most widely used in the estimation of the erythrocyte sedimentation rate, yani ki ESR ki study ke liye bhi hum sodium citrate anticoagulant ka use karte hain. Heparin, this may be used at a concentration of 15 plus minus 2.5 international unit per ml of blood. Heparin is an effective anticoagulant and does not alter the size of the red cells. Heparinized blood should not be used
for making blood films, as it gives a faint blue coloration to the background when the films are stained by Romanowski dyes. Heparin is the best anticoagulant to use for osmotic fragility test. It is inferior to DTA for general use and should not be used for leukocyte count as it tends to cause the leukocytes to clump. दोस्तों हेपेरिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 15 प्लस माइनस 2.5 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल ऑफ ब्लड हम यूज करते हैं, और जो हेपेरिनाइज ब्लड होता है उसका हम जो फिल्म होता है ब्लड फिल्म वो नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर उसको हम रोमनोवस्की डाई से स्टेन करेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड है वो फेंट ब्लू कलर ले लेता है। इसके साथ ही दोस्तों हेपेरिन का यूज जो है हम करते हैं एबीजी में, यानी कि आर्टीरियल ब्लड गैस में, और इसका जो बेस्ट यूज है वो है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। हिपेरिन का दोस्तों हम यूज टीएलसी यानी कि ल्यूकोसाइट काउंट में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम हिपेरिनाइज ब्लड का यूज करते हैं तो जो हमारा ल्यूकोसाइट है वो क्लम्प कर जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एंटीकॉगुलेंट पे, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन ACD. This is preferred for blood transfusions, for preserving red cells, for enzyme studies, and for the study of hemolytic processes. A standard preparation consists of sodium citrate 1.32 gram, citric acid 0.48 gram, dextrose 1.40 gram. And distilled water to 100 ml. 1 ml of ACD solution is sufficient to prevent coagulation of 4 ml of blood. दोस्तों एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन यानी कि एसीडी का यूज जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रेड सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों एंजाइम की स्टडी में और हीमोलिटिक प्रोसेस की स्टडी में इसका यूज किया जाता है। इसका जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है जिसमें मिला होता है 1.32 ग्राम सोडियम साइट्रेट, 0.48 ग्राम सिट्रिक एसिड, 1.40 ग्राम डेक्सट्रोज एंड 100 ml डिस्टिल वाटर। 1 ml एसीडी सॉल्यूशन से दोस्तों हम 4 ml ब्लड को क्लॉट होने से रोक सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट पे, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज यानी कि CPD. CPD अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सिट्रिक एसिड, सोडियम साइट्रेट, मोनोबेसिक सोडियम फॉस्फेट एंड डेक्सट्रोज, दैट इज द प्राइमरी एंटीकोगुलेंट यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ होल ब्लड और रेड ब्लड सेल्स फॉर अप टू 21 डेज। तो दोस्तों CPD इसका भी यूज हम ब्लड बैंक में ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं, और दोस्तों इसकी सहायता से हम जो ब्लड है होल ब्लड उसको हम 21 दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। CPDA सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन विद एडिनिन, दोस्तों CPDA is an anticoagulant and preservative for storage of blood. It can prolong red blood cell storage life up to 35 days. It maintains platelet viability. Uses of CPDA improves post-transfusion visibility and improves glucose and ATP level in blood. तो दोस्तों CPDA का भी यूज हम ब्लड बैंक में ब्लड प्रिजर्वेटिव के तौर पे करते हैं, जिसकी वजह से जो है हम ब्लड सेल की जो स्टोरेज लाइफ होती है उसको 35 डेज तक बढ़ा सकते हैं, और ये जो है प्लेटलेट वायबिलिटी को मेंटेन रखता है। इसके साथ ही ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजन विजिबिलिटी और ग्लूकोज एंड एटीपी लेवल को ब्लड में इम्प्रूव करके रखता है। व्हाट इज CPD एंड CPDA? CPD और CPDA क्या है दोस्तों, अंतर क्या है?
तो CPDA कंटेनिंग 0.25 mm एडेनिन एंड 25% मोर ग्लूकोज देन CPD हैज एक्सटेंडेड द अलाउेबल स्टोरेज टाइम फॉर रेड सेल टू 35 डेज। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि CPDA में जो है 0.25 mm एडेनिन और 25% जो है ग्लूकोज अधिक होता है सिट्रेट फॉस्फेट डिस्टोज यानी कि CPD से। अब CPD में जो है ब्लड की स्टोरेज लाइफ होती है 21 डेज, लेकिन इसमें जो है बढ़ के हो जाती है स्टोरेज टाइम 35 डेज। सेलाइन एडेनिन ग्लूकोज एंड मैनिटॉल सैगम एडिटिव सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेलाइन एडेनिन ग्लूकोज एंड मैनिटॉल प्रोवाइड्स एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ ऑफ RBC अप टू 42 डेज विद इंक्रीज्ड फंक्शनल वियबिलिटी। 105 प्लस माइनस 10% ml ऑफ सैगम इज यूज एज द एडिटिव सॉल्यूशन फॉर रीसस्पेंशन ऑफ स्टैंडर्ड रेड सेल कंपोनेंट्स एंड वॉशिंग ऑफ वास्ट रेड सेल कंपोनेंट्स। तो दोस्तों, सैगम इसका भी यूज ब्लड बैंक में किया जाता है ब्लड स्टोरेज के लिए। इसको मिलाने से ब्लड में जो है RBC की स्टोरेज लाइफ हो जाती है 42 डेज। और दोस्तों, इसका जो हम यूज करते हैं 105 प्लस माइनस 10% ml ऑफ सैगम यूज किया जाता है ब्लड में। और जाते दोस्तों MCQs पे, विच एनीमिया इज नोन एज कूलीज एनीमिया। दोस्तों, कौन सा एनीमिया जो है कूलीज एनीमिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ऑप्शन बी पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन सी थैलेसीमिया या फिर ऑप्शन डी हिमोलिटिक एनीमिया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी थैलेसीमिया के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन बीटा थैलेसीमिया माइनर विच हीमोग्लोबिन इज रिड्यूस्ड। तो दोस्तों, बीटा थैलेसीमिया में कौन सा हीमोग्लोबिन जो है रिड्यूस होता है यानी कि कम होता है? ऑप्शन ए HbA1, सॉरी HbA, ऑप्शन बी HbF, ऑप्शन सी HbC या फिर ऑप्शन डी HbD। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए HbA यानी कि हीमोग्लोबिन ए, जिसको हम एडल्ट हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, जिसमें 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन होते हैं, ये रिड्यूस होता है इन बीटा थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्मल सिट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ। दोस्तों, फॉर्मल सिट्रेट डाइल्यूटिंग फ्लूड जो है वो किसकी काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स या फिर ऑप्शन डी इओसिनोफिल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए RBC। RBC के लिए जो है फॉर्मल सिट्रेट सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फिंगर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिकिंग। तो दोस्तों, जब हम स्किन पंक्चर करते हैं तो उसमें हम कौन से फिंगर का मोस्टली यूज करते हैं? ऑप्शन ए लेफ्ट रिंग फिंगर, ऑप्शन बी राइट लिटिल फिंगर, ऑप्शन सी लेफ्ट मिडिल फिंगर या फिर ऑप्शन डी राइट मिडिल फिंगर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है लेफ्ट रिंग फिंगर, यानी कि लेफ्ट हैंड का जो रिंग फिंगर होता है उसका यूज हम मोस्टली करते हैं प्रिकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज। ऑप्शन ए एरिथ्रोपोइसिस, ऑप्शन बी हीमोपोइसिस, ऑप्शन सी एरिथ्रोपोइटिन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो हमारा ब्लड है उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हीमोपोइसिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जब RBC का प्रोडक्शन होता है तो उसके प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, यानी कि एरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। जब एरिथ्रोसाइट का लॉस होता है तो उसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
इसी के साथ ही दोस्तों आज की वीडियो समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।